दरभंगा जिले में बाढ़ का पानी नए नए इलाकों को डुबोता जा रहा है। जी हाँ, अब बाढ़ का पानी दरभंगा शहर को अपना निशाना बनाने लगा है। आलम यह है कि शहर के नगर निगम इलाके के कई वार्डों के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी घुटनों से बढ़कर कमर तक आ गया है। दरभंगा शहर के पश्चिम में बागमती से सटा हुआ सुहंकरपुर रत्नोपट्टी का क्षेत्र है और अभी जो बीच सड़क पे हम लोग चल रहे हैं नाव से, ये आगे जाकर बहादुरपुर के क्षेत्र बस्ती मनियारी गनौली इस क्षेत्र में यह नाव जाती है। शहर से उस क्षेत्र में सुहंकरपुर रत्नोपट्टी बस्ती मनियारी जाने का एकमात्र साधन नाव है, जो करीब 3 से 4 किलोमीटर की नाव की यात्रा करने के बाद गांव तक पहुंचती है और दिन से रात तक नाव चलता रहता है। और अब लोग धीरे धीरे जो बीमार भी पड़ने लगे हैं उनको भी अस्पताल पहुंचाने का सहारा एकमात्र नाव है। जो मजदूरी करने के लिए बाजार जाते हैं दरभंगा शहर में, उनके लिए भी वापस आने का एकमात्र सहारा नाव है। यहाँ तक कि मवेशियों की हालत, इतने कृषि प्रधान क्षेत्र रहने के कारण यहाँ मवेशियों की संख्या ज़्यादा है, सारा खेत खलिहान डूब चुका है, तो मवेशियों के लिए चारा लाना भी बहुत कठिन। एकमात्र नाव ही एक सहारा रह गया, एकमात्र नाव ही सहारा है। दरअसल दरभंगा शहर के पश्चिम में बागमती नदी से सटे शुभंकरपुर रत्नोपट्टी मोहल्ले का हाल इन दिनों कुछ ऐसा ही है। शहर के नगर निगम वार्डों में पानी आने से लोग परेशान हैं। नदी का पानी धीरे धीरे निकलकर मोहल्लों से घर के आंगन तक पहुंचने लगा है। मोहल्लों की सड़कें भी डूब गई। पानी इतना ज्यादा हो गया कि सड़क पर लोग अब नाव निकालकर अपने रोजमर्रा के काम को निपटा रहे हैं। मोहल्ले से निकलने वाली सड़क एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ती है, लेकिन उन सभी सड़कों पर पानी भरा पड़ा है। आपको बता दें कि दरभंगा शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चला करती थी, उन सड़कों पर अब नाव चल रही है। इस पूरे हालात पर दरभंगा के DM ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। देखिए, शहर में सरकारी नाव कहीं नहीं चल रही है। निजी नाव के रूप में कुछ मोहल्ला जो लो लेंगे वहाँ पर चल रहा है, बट सरकारी नाव हम लोग ने अभी चलाने के आवश्यकता महसूस नहीं की है। इस और भी इलाकों में नाव की कमी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। देखिए, सरकारी नावों का अभी जरूर पर्याप्त मैं नहीं कहूँगा, लेकिन NDRF उसका भरपाई कर रहा है। NDRF और SDRF का टीम मिल करके अभी हम लोगों के पास 40-45 बोट है और जहाँ पर पानी का इलाका है वहाँ पर ये नाव चल रहा है। आरोप है कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है, ये तो देखना होगा। फिलहाल प्रशासन अपनी मुस्तैदी की बात जरूर कर रहा है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार का।